पढ़ क्या रहे हो? एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंदर कुछ यूजफुल टर्म्स देख रहे हैं। तो तुम लोग बताया नहीं भैया दो जा और क्या गोवर्धन को या मंदिर नहीं गोवर्धन और गोवर्धन गोवर्धन क्या है गोवर्धन? अरे गधा गोवर्धन एक पहाड़ है पर्वत है श्री कृष्ण ने उसे ऐसे उठाया था। तो वो गोवर्धन को यार चलो शुरू करते हैं। कहाँ तक हुआ था? सोलेट्री एनिमल किसे बोलते हैं? सोलेट्री एनिमल जो अकेले रहता है। कल ही तो पढ़ा था। पॉलीगैमस एनिमल पॉलीगैमस एनिमल मतलब पॉलीगैमस एनिमल जल्दी बोलो। कल इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। नहीं पॉलीगैमस एनिमल था दो दो सेक्स एक में प्रेजेंट है दैट इज मोनिशियस बाइसेक्सुअल एनिमल। पॉलीगैमस पॉली मतलब पॉली मतलब बहुत मारेंगे ना सुबह सुबह गांजा मुझा खूब घर आई हो। पॉली मतलब मेनी ठीक है। तो वैसा एनिमल जिसके पास मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर है वो डेट इज पॉलीगैमस एनिमल। वैसा जिसके पास मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर होगा उस एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगैमस एनिमल। अब पॉलीगैमस एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पॉलीएंड्रस एनिमल और एक पॉलीगैनस एनिमल। पॉलीगैनस एनिमल कहने का मतलब है कि मेल जिसके पास मोर देन वन फीमेल पार्टनर होगा और पॉलीएंड्रस मतलब कि फीमेल जिसके पास मोर देन वन मेल होगा। अब पॉलीगैमस का मतलब हो रहा है कि कोई भी एनिमल की बात हो रही है जिसके पास मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर होगा। क्लियर है? यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर रहा है मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं लिव इन द कंपनी ऑफ मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर। ये ग्रुप में ही रहता है लिव इन द कंपनी हैविंग मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर। सही है ना? मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर। एग्जाम्पल बताओ। वन कोई भी मेल हो या फीमेल हो। एग्जाम्पल हिंदी मतलब मोर देन वन एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर होगा। जल्दी हाँ डॉग होता है हाँ फीमेल के पास मोर देन वन होता है। ठीक है एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे एग्जाम्पल डियर जेब्रा डॉग एटीसी क्या पैंथर हाँ क्या। अब ये कितना है दो तरह का है एक पॉलीएंड्रस एक फीमेल होगा जिसके पास मोर देन वन मेल पार्टनर होगा जिसे हम लोग पॉलीएंड्रस कह रहे हैं और मेल होगा जिसके पास मोर देन वन होगा पॉलीगैनस। ये हो गया राइट ऑन। इसी में कर लेते हैं इट इज टू टाइप्स एक
पॉलीएंड्रस क्या है? एक का नाम है पॉलीएंड्रस, सेकेंड हो जाएगा पॉली गाइनस एनिमल। आगे बढ़े, ऊपर वाली मिटाऊंगे। इसको बंद किया जाए, चलो। पॉली एंट्रस एनिमल आकांक्षा बता। पॉलीएंड्रस फीमेल हैविंग मोर देन वन सेक्सुअल मेल पार्टनर, यही है ना। पॉलीएंड्रस का मतलब एक फीमेल के पास मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर होगा। एग्जांपल बोलो इसका। फ्रॉग, डॉग, फिश, एक फीमेल के पास मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर होता है, ठीक है। हनी बी है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? फीमेल हैविंग मोर देन वन मेल सेक्सुअल पार्टनर, है ना। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया? हनी बी, डॉग, फिश, एटीसी। और जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा कहाँ? पॉलीगैनस एनिमल में। पॉलीगाइनस एनिमल्स मेल हो जाएगा, मैं मिटाऊं नीचे। मेल हैविंग more than one female sexual partner, male जिसके पास एक से अधिक female sexual partner हो जाए। example में बोलो पहला example। एक मेल के पास बहुत सारा फीमेल सेक्सुअल पार्टनर होता है, इसमें काउ हो जाएगा। सबसे पहले तो काउ तो मेल है नहीं, काउ तो मेल है नहीं, आगे बोलो। काउ मेल है नहीं, आगे बोलो। एक मेल के पास बहुत सारे आते हैं, एक टाइगर आता है, मंकी आता है, बोफाइलो आता है, क्या क्या मंकी में नहीं रहता, मंकी में रहता है। एक मेल के पास बहुत सारे फीमेल पार्टनर होते हैं, ठीक है। एडीसी हाँ, अब मोनोगैमस एनिमल क्या किसे बोलते हैं? मोनोगैमस जिसके पास एक ही सेक्सुअल पार्टनर हो, मोनोगैमस एनिमल।
तुम लोग भोजन करके आए हो? ये मिटाओ। हाँ तो अपन ना, तो तुम्हारा रक्षाबंधन में इनकम नहीं होने वाला है, एक दिन पहले या एक दिन बाद में नहीं बना सकती हो। आकांक्षा तुम्हारा कितना? 2-3 लाख? तो बस। और तुम्हारा पाला कितना लॉस होगा? नहीं लॉस होगा, बड़ा दिक्कत है। क्या हुआ? मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला है, मैं देता नहीं। क्या हुआ? बांधने वाला भी कोई नहीं है, नहीं मेरे पूरी जनरेशन में कोई गर्ल नहीं है, नहीं। ना मेरे ना अंकल के। हम लोग जितने अपने भाई और चचेर भाई मीटिंग किए थे, किसी लड़की को घर में नहीं पैदा होने देना है। हाँ ये बात हुआ। चिल्लर जरा ढूंढना रे कहाँ कहाँ पड़ा है, क्या? चिल्लर जरा देखना कहाँ कहाँ पड़ना है, आकांक्षा को देना है। हो गया। पिछले साल पटना में ट्रेंड देखा था, वो क्या नाम है, वो बजरंग दाल वाले लड़के लोग, वो राखी बांधते चल रहे थे। हाँ जिसका नहीं बांध, वो बांधते भी चल रहा था, जिस घर घर वो जाते हैं, जिसका कोई भाई या फिर बांध नहीं है वो खुद बांध रहा था लड़का। तो वो तो भाई का एक दूसरे को बांधते दिया। हो गया। क्या हुआ? अच्छा राखी लेकर। देखो तो इंडियन कल्चर कितना बेहतरीन है, हर रिलेशन के लिए कोई ना कोई फेस्टिवल है, पकड़ पकड़ के याद दिलाते रहता है, कहाँ जा रहे हो, हम तेरा भाई बहन है। सही बोला ना? हाँ हस्बैंड वाइफ रहेगा तो उधर बोलेगा कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हारे लिए आज फेस्टिवल कर रखे हैं, है ना। तो हर रिलेशन के लिए यहाँ पे फेस्टिवल मिल जाता है, तो अच्छी बात है। चलिए मोनोगैमस एनिमल, मोनो मतलब सिंगल, ऐसा एनिमल जिसके पास एक ही सेक्सुअल पार्टनर होगा, मोनोगैमस एनिमल उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोगैमस एनिमल। मोनोगैमस एनिमल्स, क्लियर? तो द एनिमल्स हैविंग ओनली वन सेक्सुअल पार्टनर। क्या हो? हंस। हाँ हंस। ओके अब आता है मोनोसेक्सुअल किसे बोलते हैं, या हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल वो उसे बोलते हैं। ओके सुनो, बाइसेक्सुअल एनिमल मतलब एनिमल जिसके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गेन होगा, ऐसा एनिमल जिसके बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गेन होता है, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म के बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गेन होता है, लेकिन मेल जब डोमिनेट होता है तो फीमेल डोमिनेट नहीं होता है, यानी अर्थवर्म का जो बॉडी देखेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गेन अगर एक्टिव है तो फीमेल सेक्स ऑर्गेन एक्टिव नहीं होता है, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गेन है एक्टिव तो मेल सेक्स ऑर्गेन एक्टिव नहीं होगा, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों है, एट अ वन टाइम एक ही ऑर्गेन एक्टिव होता है, क्लियर। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें मेल क्या हाउ सेक्सुअली दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन बॉडी की बात करें जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में है, जैसे
फ्लावर भी देखते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर वाला पार्ट एक ही में होता है, यानी एंथर और गाइनोय दोनों एक ही में होता है, जैसे उड़ तो वो बाइसेक्सुअल प्लांट हो जाएगा। समझ में आ रही है? यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट यानी दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही बॉडी में होगा तो वैसे बॉडी को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए टैबम है, टैबम में मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट में होता है। लीच, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। अर्थवर्म, मेल और फीमेल दोनों। लिवर हुक, क्या मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। कुछ प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम तो एनिमल की बात करेंगे। समझ में आ रही? क्लियर। और कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो डाइएसियस है यानी यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है, जैसे ह्यूमन, मंकी, टाइगर, रैट, ये सब। बहुत सारे मैमल्स हैं जो मेल और फीमेल अलग ही होते हैं, तो वैसे को हम लोग यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कहते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग। यूनि मतलब एक, तो एक सेक्सुअलिटी जिस बॉडी में प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल, और अगर दोनों सेक्सुअलिटी जिसके बॉडी में प्रेजेंट है डेट इज बाइसेक्सुअल। इज क्लियर? हाँ, ऐसे इतना बड़ा सा मुंडी हिलाते रहते हो। क्लियर? हाँ, तो यहाँ से मिटा था। क्या बोला? हाँ, तुम लोग बता दें कि दो दिनों के लिए गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों ही बंद है। हाँ, जाइए। क्यों मर रहे हो? क्यों मर रहे? हाँ, मर क्यों रहे हो? जा रहे हैं, तुम्हें ना बोला मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? किस लिए? घर कोई घूमने की जगह होता है? घूमने के लिए उधर अंडमान जाओ, कितनी खूबसूरत जगह है यार। क्या तपोवन जाओ, खूबसूरत। बिहार का उधर वाल्मीकि नगर, ये सब घूमने की जगह। घर कौन जाता है? लोग घर से भाग कर घूमने के लिए जाते, तुम घर जाते हो। क्या सही बोला ना? इसको देखो, अपना भागने वाली है। रबर डैम, वो रबर का वाकई में बना हुआ है जिस पे जिससे पानी उठता है ना, मतलब पानी के सरफेस पे है वो। तो जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ऊपर आता है। और जैसे अच्छा है, मतलब मैं गया करा के अभी तक वहाँ नहीं गया मैं। चलो वापस आते हैं, मैं बात कर रहा था क्या डाइएसियस यानी सॉरी मोनेसियस यानी बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल याद करने के लिए याद कर लेना कि जिसमें दोनों सेक्सुअलिटी प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब दो सेक्सुअल वाले एनिमल्स को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट। क्या नाम है? हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनेसियस भी बोलते हैं। मोनेसियस मतलब एक ही सेक्सुअलिटी रखने वाला, सॉरी एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सुअलिटी रहेगा, डेट इज मोनेसियस। हर्माफ्रोडाइट इसी को बोलते हैं। राइट। द एनिमल विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन। क्या लिखेंगे? द एनिमल्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, एग्जाम्पल में पहला, मतलब तुम्हारा नाम नहीं लिख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ एग्जाम्पल में। बोलो। अर्थवर्म। आगे बोलो। लीच, जोक। और बोलो टैबम। टैबम बहुत अजीब है,
ये जल्दी ठीक नहीं होता है, मतलब बहुत अजीब है। ये रहा इसका हेड, हाँ दोनों इसी में होता है। और ये रहा टैब बम, ये आगे दम पतला रहेगा और धीरे 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 ये बड़ा होते रहेगा। और इंटेस्टाइन में कहीं ये इसका हेड अंदर धंसा हुआ रहेगा। सुनो, माइक्रोस्कोपिक इसका हेड रहता है ऑलमोस्ट, और ये इंटेस्टाइन में कहीं अंदर धंसा हुआ रहेगा, समझ रहे हो। अब क्या होता है कि ये बॉडी इसका सेगमेंटेड होता है, क्या होता है, बॉडी इसका सेगमेंटेड होता है, क्या हुआ, प्लैथी हेलमेंथिस। अरे नहीं, टैप बम की कहानी बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन लो। इसका जो स्पोर्स होता है ना, ठीक है, जिसके बॉडी में ये टैप बम हो जाएगा और उसका स्टूल को अगर हम लोग स्टूल कल्चर करेंगे ना, तो उसमें गोल्डन की तरह ग्रेन्स की तरह दिखेगा, छोटे छोटे लगेगा गोल्डन है। सुनो क्या होता है, ये रहा, ठीक है। तो अब इसको क्या होगा कि ये वाले पार्ट अगर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे, ग्रैन्यूल्स लाइक छोटे छोटे गोल्डन कलर का होता है, और ये टूट के अलग होता है, वो स्टूल में हम लोग को बाहर आता है, क्लियर है। वो स्टूल कल्चर करेंगे तो वो दिखेगा कि नहीं, छोटे छोटे एकदम गोल्डन कलर का दाने की तरह दिख रहा है, तब माना जाता है कि इसके बॉडी में टैप बम है। अब स्टूल के साथ ये बाहर आएगा, अब जैसे ही वो फ्रैगमेंट्स होगा या फिर किसी भी मीडिया के द्वारा दूसरे के बॉडी में जाएगा, फिर टैप बम उसमें कॉज कर जाएगा, क्लियर। और ये पिग वगैरह इस समय या बीफ मीट में ये ज़्यादा होता है टैप बम, अगर उसको हम लोग खाएंगे तो हमारे बॉडी में संभावना है कि हो जाएंगे। एक बार हो गया तो ये ठीक नहीं होता, क्या बोला, पिग मीट का कैटेगरी में बीफ आता है, जिसमें पिग वगैरह सब इंक्लूड है, पी बफेलो काउ ये सब उसमें इंक्लूड है। सबसे छोटे वाले को चिकन बोलते हैं जो तुम लोग खाते हो, उसके ऊपर आ जाओ मटन होता है, फिर बीफ होता है, पॉर्क होता है, हाँ। अब अगर उससे कोई खाता है तो उसके बॉडी में एक टैप बम जाएगा और ये वाले ग्रो करना शुरू कर देगा एज ए इंडिविजुअल। तो पहले किसी इंटेस्टाइन के वाल में पेनेट्रेट होगा, यानी बिल्कुल अंदर धंस जाएगा और फिर उसका ग्रो करने लगेगा। इसको मारने का यानी खत्म करने का यही तरीका है, इस वाले हेड वाले पार्ट को हम लोग बाहर निकालें, क्योंकि ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है और कंटिन्यू टूट के अलग होते रहता है। मैं यहाँ तक भी इसे हटा लूँ ना तो फिर ये ग्रो करेगा और ये वाला पार्ट बढ़ते जाएगा नीचे, काम करता ही है। और टैप बम का इसलिए हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में इंटेस्टाइन में कहाँ पे ये इसका हेड अंदर पेनिट्रेट है, ये इतना डेंजर है, इसका बॉडी का वेट जल्दी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और ये अकेले ही रहता है, ये नहीं कि पूरा दो चार समुदाय लेकर आएगा, 8-10 को लेकर नहीं, अकेले ही बॉडी में पूरा राज करेगा, मस्त खाएगा पिएगा। और इसका जो सेगमेंटेड पार्ट होता है वो टूट टूट के अलग होते रहेगा फिर दूसरे में। हाँ, और कोई तरीका नहीं है ना, आप इंटेस्टाइन को थोड़ी आप हर पार्ट को काट के देखोगे। तो ये वाले पार्ट जब टूट के अलग होता है ना, तो इसमें जो स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं, और वो स्टूल में ही मिलेगा, इंटेस्टाइन से स्टूल ही बाहर आता है। क्या नहीं, डेथ का कारण नहीं बनता है, लेकिन हाँ इंटरनल ब्लीडिंग होते रहता है, इंटेस्टाइन से होगा, इनडाइजेशन कॉज करेगा, बॉडी वेट लॉस होते रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डेट का कॉज नहीं बनता है। क्या हाँ, इंटेस्टाइन को पोर्स बनाते रहेगा, वो लास्ट पोजीशन है, ये इसका कर्मात है भाई। इससे बेहतर लीच है, एस्कैरिज, इसके ऊपर म्यूकस का एक लेयर होता है, क्या होता है, म्यूकस का लेयर, और हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब चीज़ को डाइजेस्ट कर लेगा लेकिन म्यूकस को नहीं करेगा, यही कारण है कि ये बचते रहता है। तो हम लोग म्यूकस को तोड़ने के लिए मेडिसिन देते हैं, जैसे ही इसके बॉडी का म्यूकस टूट जाता है हम लोग उसे ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, नहीं समझा। मान लिया जाए ये स्टमक और आगे जाके इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, ये इसके अंदर डेवलप कर रहा है, तो इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इसके ऊपर एक म्यूकस का लेयर होता है,
अब जैसे इस म्यूकस के लेयर को तोड़ने के लिए हम मेडिसिन देंगे, म्यूकस के लेयर टूट जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम इसके बॉडी को ही डाइजेस्ट कर लेगा, फिर हम लोग ठीक हो जाएंगे, समझा? जो भी हो, तो वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे बाइसेक्सुअल एनिमल का, इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट, ये लिख लो ब्रैकेट में। इसी क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है, या फिर मोनेसियस इसको बोल सकते हैं, मोनेसियस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, गुड। अब आते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल एनिमल यानी डायोसियस के बारे में, मैं मिटाता हूँ इसे। क्या कर रहा है? बाइसेक्सुअल हो गया। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यूनिसेक्सुअल एनिमल डायोसियस एनिमल जिसके पास एक ही सेक्स ऑर्गेन होगा, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो राइट ऑन। एनिमल्स विच हैव ओनली आइदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन, animals which have only either male or female sex organs। example इसका बताओ, तुम्हारा नाम लिखो पहला, तब इसमें हाँ या ना, जल्दी बोलो, तो लो तुम नहीं हो, हाँ क्या है एग्जाम्पल में? अच्छा ह्यूमन, मंकी, टाइगर, क्या वो सारे मैमल्स को इंक्लूड थोड़ी कर लेंगे, कुछ एक्सेप्शन है मैमल्स में। मैमल्स में क्या है? मैमल्स जो चाइल्ड बर्थ करता हो, बॉडी पे हेयर्स हो, मिल्क रिलीज करता हो, सिंगल सेक्स, ऑलमोस्ट सारे हैं, सारे मैमल्स हैं, सारे 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 ऑलमोस्ट सारे मैमल्स यूनिसेक्सुअल हैं, एक्सेप्शन में कहीं होगा यार, देख लेना। चलिए जल्दी करो, प्रोटोएंड्रस। अब प्रोटोगाइनस क्या है? डॉल्फिन मैमल्स हैं, उसमें फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, पता नहीं। अच्छा मैमल्स इतना है, प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस क्या है? प्रोटोएंड्रस एनिमल, आप प्रोटोगाइनस, जिसमें मेल मैच्योर होता है और फीमेल इमैच्योर होती है, प्रोटोगाइनस में जिसमें फीमेल मैच्योर होगा और मेल इमैच्योर होगा, नहीं समझा? बाइसेक्सुअल एनिमल्स देखेंगे तो दो तरीके होंगे, एक प्रोटोएंड्रस होगा, सॉरी हाँ बाइसेक्सुअल देखेंगे दो तरह का होगा, एक प्रोटोएंड्रस होता है, एक प्रोटोगाइनस होता है, मतलब ऐसा बॉडी जिसमें मेल पार्ट एक्टिव होगा और फीमेल पार्ट एक्टिव नहीं होगा, दैट इज प्रोटोएंड्रस। मेल पार्ट एक्टिव होगा तो दूसरे बॉडी के साथ करेगा, सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अर्थबम सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं करता, अर्थबम में दोनों हैं प्रेजेंट मेल और फीमेल, लेकिन सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, समझा रहे? सेल्फ का मतलब खुद रिप्रोड्यूस करना, खुद का मेल पार्ट फीमेल पार्ट आपस में रिप्रोड्यूस करना अर्थबम में नहीं होता है।
ये सारे जो बाइसेक्सुअल एनिमल है इसमें मैक्सिमम होता है कि किसी का मेल एक्टिव होता है तो किसी का फीमेल पार्ट एक्टिव होता है। अगर मेल पार्ट एक्टिव होगा तो फीमेल पार्ट एक्टिव नहीं होगा, अगर फीमेल पार्ट एक्टिव होगा तो मेल पार्ट एक्टिव नहीं होगा। क्लियर? तो जिसका मेल पार्ट एक्टिव होता है उसे प्रोटोएंड्रस एनिमल कहते हैं और जिसका फीमेल पार्ट एक्टिव होता है उसे प्रोटोगाइनस एनिमल कहते हैं। क्लियर? चलिए राइट, प्रोटोएंड्रस एनिमल, प्रोटोएंड्रस इसमें मेल सेक्स ऑर्गेन मैच्योर होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गेन मैच्योर नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या प्रोटोएंड्रस, अभी तो बताया प्रोटोएंड्रस एनिमल बाइसेक्सुअल एनिमल को ही बोलेंगे लेकिन इसमें मेल मैच्योर होगा। क्लियर? बाइसेक्सुअल एनिमल में सिर्फ हम लोग इतना देख रहे थे कोई एक ऐसा एनिमल है जिसमें दोनों प्रेजेंट है, मैच्योर और इमैच्योर की बात नहीं कर रहे थे। एक होना चाहिए मैच्योर। हाँ, तो ये सब एनिमल में एक मैच्योर होता है तो जिसमें मेल मैच्योर होगा वो प्रोटोएंड्रस बाइसेक्सुअल हो जाएगा और जिसमें फीमेल हो जाएगा तो प्रोटोगाइनस बाइसेक्सुअल हो जाएगा। समझा? तो प्रोटोएंड्रस, हाँ क्या लिखे हो, मेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर आइदर देन फीमेल। सही है? आप एक और लिख रहे हैं प्रोटोगाइनस। ये सारे जो टर्म्स हैं ना काफी यूजफुल है, आगे बड़ा कंफ्यूजन होगा। प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस वहां पे सिर्फ बोल के मैं निकलूंगा तो माइंड में रख लेना। समझा पहलाद? फीमेल सेक्स ऑर्गेन मैच्योर, क्या हुआ? सिंपली अब इतना सारा पढ़ेगा तभी तो लोगों से अलग होगा और नहीं तो सारे लोग तो भी बोलेंगे ना तुम में क्या मेरे क्या, हम दोनों तो बराबर ही हैं, जितना तुम जानते हो उतना हम भी जानते हैं तो फिर कोई सुपीरियर कैसे बनेगा। सही बोला? अगर कोई बायोलॉजिस्ट बोलेगा किसी नॉर्मल पर्सन से, नॉर्मल पर्सन तुम भी तो वही जानता है जो हम जानते हैं तो फिर दोनों अंतर कैसे हुआ? दुनिया के सबसे आसान काम दुनिया का सबसे आसान काम, इंसान सबसे पहले अपनी जरूरत के ही काम करता है। ठीक है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो पढ़ने के लिए कहाँ से रहेगा, तो वो अपने खाने पे फोकस करेगा, है ना? और जिसको खाने के लिए सब चीज़ मिलेगा तब वो नेक्स्ट काम पे फोकस करेगा। एक्चुअली यही होता है, होता है ना? तो दुनिया का सबसे आसान काम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तुम्हारे लिए क्या है सबसे आसान काम? सोना आसान काम है। आजकल तो नींद भी जल्दी नहीं आता है, स्लीपलेसनेस का शिकार हो रहे हैं सब, हो रहे हैं? मैक्सिमम लोग इससे ग्रसित है भाई। तो कैसे बोलते हो सोना है? तुम्हें नींद आ जाती है तुरंत? आ जाता है कितना देर बाद? 5-10 मिनट में सो जाते हो तब तो बहुत अच्छा है।
तुम एक दो घंटे ऐसे ही फोन स्क्रॉल करो, ये करो वो करो। तुम एक मंथ क्या, एक मंथ से नहीं है, एक मंथ तुम सोए नहीं हो, क्यों से नहीं, क्यों ये बड़ा खतरनाक चीज है। और इसमें मैं माहिर हूँ, मैं बहुत सोता हूँ, मैं स्ट्रेस, क्या बोला, हाँ मैं बहुत सोता हूँ। अगर मैं अपने फ्लैट पे भी सोया हूँ, यहाँ 6 बजे आ गया ना, तो मैं अपना चैम्बर बंद करके सो जाता हूँ। किस तरह इधर पढ़ा रहे, मैं बहुत, हाँ तो ये सोना आसान काम नहीं है हर किसी के लिए। लोग इसी के लिए अब डॉक्टर से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ो। ओविपोरस पता है, ओविपोरस एनिमल जो एक देगा, पहला मतलब तुम नहीं हो, जो ओविपोरस एनिमल जो एक देगा, एग्जांपल बोलो, एग लेइंग एनिमल्स को ओविपोरस एनिमल कहते हैं। एग लेइंग नहीं पता, अंडा देने वाले एनिमल उसको ओविपोरस एनिमल कहते हैं। हाँ कौन कौन देता है, मुर्गी और हाँ मुर्गी देती है और हाँ फ्रॉगी, फ्रॉग नहीं फ्रॉगी देती होगी, और बोलो क्या, हाँ और बोलो, फिशी है, फिश नहीं फिशी, और बोलो ओए हंसी सही जा रहे हो ओविपोरस एनिमल, जो ये नहीं जानता लिखो ओविपोरस एक, अच्छा तो तुम मुर्गी ऑस्ट्रिच ही बोल रहे हो, ऑस्ट्रिच फिर बोल रहे हो क्या, प्रो क्रॉ, देखो एनिमल्स दो तरह के होंगे, एक एक देगा और एक बच्चे देंगे, तो ओविपोरस में एग लेइंग एनिमल्स आते हैं, यही है ना। एग्जांपल में हेन आ जाएगा, यानी बर्ड्स लिख लें, और फिश, कुछ फिश थे जो, सारे फिश नहीं, कुछ फिश देते हैं, क्रोकोडाइल अंडा देता है, फ्रॉग लिख लो, और एक और आता है बेबी पोरस, जिसमें चाइल्ड बर्थ होगा, अंडा नहीं बच्चा, एग्जाम्पल ह्यूमन का, और बोलो कोयल अंडा देती है, कोयल अंडा देती है, अरे बर्ड्स है, हाँ अंडा देती है, हाँ तो पहचानने के लिए सिंपल सा, जो बेबी पोरस होगा ना उसके बॉडी पे हेयर्स होंगे, मैमरी ग्लैंड डेवलप होगा, ठीक है, क्या होगा, बॉडी पे हेयर्स होगा, मैमरी ग्लैंड डेवलप मतलब दूध देने वाले जो ऑर्गन्स होंगे वो डेवलप होंगे, बॉडी पे हेयर्स होंगे, ये इसमें फदर विंग्स वगैरह होगा, मैमरी ग्लैंड डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया ह्यूमन हो गया, काव हो गया, मंकी हो गया, बहुत सारे हैं, टाइगर होगा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये है उसका लॉजिक, अरे अपना अंडा दूसरे के घोंसले में रख देती है, ठीक है। और एक और इस दोनों के बीच में आता है ओवोविविपोरस, ओवोविविपोरस जिसमें प्लेसेंटा नहीं होता है, चाइल्ड बर्थ तो होगा बट डायरेक्ट होगा, प्लेसेंटा नहीं होगा, सुन लो पहले,
इस सब में जितने सारे एनिमल्स हैं ना, सब में प्लेसेंटा होता है, जो चाइल्ड बर्थ होगा उसमें प्लेसेंटा यानी एम्ब्रियो से एक पतला सा ट्यूब अटैच होगा मदर बॉडी में, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्या हुआ? कंगारू, वो छोटा सा एक इंच का उसका बेबी बर्थ होता है, उठा के बाहर उसका एम्ब्रियो होता है, उठा के बाहर डाल लेता है ना पॉज, उसका ये वेंट्रल सरफेस पे एक पॉज की तरह होता है, वो उसमें उस कंगारू को डाल लेता है, फिर उसमें वो ग्रो करता है ना। हाँ, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं होता है। एक और है शार्क, चलो शार्क का भी फिश बहुत छोटा होता है, उसमें भी प्लेसेंटा नहीं होता है, ठीक है। वाइपर किसे बोलते हैं? वाइपर ये कौन सा एनिमल है? ओए देखो तो, द एनिमल्स गिव चाइल्ड बर्थ बट शायद स्नेक ही है, बहुत छोटा रहता है, नो प्लेसेंटा, ये भी वही काम करता है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ओविवोरस और विविवोरस का। जहर नहीं होता? हाँ जहर नहीं होता होगा। हो गया? रहने दे। क्या हुआ? हाँ रहने देता हूँ। नॉक्टर्नल एनिमल कौन सा होता है? नॉक्टर्नल एनिमल, उसको डार्कनेस पसंद है, अंधेरा, रात को, जैसे उल्लू। क्या उल्लू? कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल जानते ही हो, एक्टोथर्मल और इंडोथर्मल, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायरल एनिमल, डायरल एनिमल हम लोग हैं, दिन में एक्टिव होता है लाइट में, है ना, कि नॉक्टर्नल है नहीं, आजकल तो रात को ज़्यादा लोग देखते हैं। अच्छे दोनों हो गए हम लोग। एपिफाइटिक एनिमल, जो बॉडी के ऊपर ऊपर सर्वाइव करेगा, गुड। अब मेटाक्रोसिस, मेटाक्रोसिस एनिमल जो अपना बॉडी के स्किन कलर चेंज करेगा अकॉर्डिंग एनवायरमेंट, जैसे फ्रॉग है ना, बाकी रंग देते हैं। हाँ तो आराम से सब रक्षाबंधन मनाओ।